खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी व सिंधिया राजघराने की बहुप्रिय दर्शनी राजेश सिंधिया ने पैदल सड़कों पर घूमकर आम लोगों से जनसंपर्क किया। वह लगातार शहर के विकास और आमजन के बारे में बात करते हुए नजर आ रही थी। प्रियदर्शनी राजे के इस तरह आम लोगों के बीच पहुंचकर घुल मिल जाने से उनके राजनीति में आने की अटकलें भी चर्चा में आ गई हैं। जब सिंधिया घराने की बहू से पूछा गया कि वह राजनीति में क्यों नहीं आ जाती हैं, क्योंकि महिलाओं की इस फील्ड में काफी कमी है, इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ थैंक यू कहा। इसके बाद वह आगे बढ़ गई, लेकिन उनके थैंक यू के साथ जो मुस्कान चेहरे पर आई थी, वह अपने आप में कई सवाल खड़े कर गई। ग्वालियर में शनिवार की सुबह जब लोग सैर के लिए कैंसर पहाड़ी पर पहुंचे, तो वह वहां पैदल घूमती हुई सिंधिया राजघराने की बहू प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया को देखकर दंग रह गए। लोगों को लगा कि कोई कार्यक्रम होगा जिसमें वह शामिल होने आई होंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रियदर्शनी राजे आम लोगों से संवाद कर रही थी, उन्होंने कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए लोगों से सुझाव मांगे, उनके साथ बैठकर चर्चा की और अपनी बात भी रखी। यहाँ उनका कहना था कि कैंसर हिल नाम से ही निगेटिव फील होता है, इस नाम ने लोगों को बहुत दुख व दर्द दिया है। जब लोगों ने उनको इस तरह एक लीडर की तरह घूमते और बात करते हुए देखा, तो शहर में चर्चा शुरू हो गई कि सिंधिया घराने से जल्द प्रियदर्शनी राजनीति में एंट्री ले सकती है। लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि वह राजनीति में आने के बारे में क्या सोचती है, तो प्रियदर्शनी कुछ नहीं बोली। फिर पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों नहीं आती, इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ थैंक यू ही कहा। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ऐसे ही सड़कों पर नहीं उतरी हैं, वह केंद्रीय मंत्री व अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लगातार प्रचार की कमान संभालती रही हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं, प्रियदर्शनी राजे ने उनके फैसले को सही साबित करने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाया है। चाहे वह देश के गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर आगमन पर उनको जय विलास पैलेस में घुमाना हो, या उनके स्वागत की कमान अपने हाथों में लेना हो, पिछले कुछ समय से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की अपेक्षा ग्वालियर से चुनाव लड़ने वाले हैं। सिंधिया अभी मंत्रालय के कामों में व्यस्त हैं, तो उनके लिए पत्नी प्रियदर्शनी राजे व बेटा महा आर्यमन सिंधिया जनसंपर्क की कमान संभाल लेते हैं। राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं आप, समाज सेवी तो आते हैं राजनीति में। थैंक यू। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।